हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करें अपने वर्क और वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और एक्सीडेंट्स के अकॉर्डिंग कि कितने एक्सीडेंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो एक्सीडेंट क्या होता है, तो ये एक अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहता है जो हमें क्या हार्म देता है, जो हमें इंजरी देता है, इल हेल्थ देता है, डेथ देता है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी भी देता है, डैमेज टू एनवायरनमेंट भी देता है, और कॉम्बिनेशन भी रहता है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एक्सीडेंट, जो कि एक अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कि हमें ना तो पता होता ना हमें खबर होती और वो होता हो जाता है। ठीक है, कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, कि इस तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है, बाकी तो हम ऑब्जर्व कर ही लेते हैं, पर क्या होता है कभी कभी कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऑब्जर्वेशन के बाद भी वो हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया इसमें, ये एक अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहते हैं। ठीक है, और साथ ही जब एक्सीडेंट होते हैं तो देखिए वो तो किसी भी तरीके से हो सकता है ना, पीपल हार्म हो गया हमें उसमें, किसी पर्सन को चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो एक दिक्कत। ठीक है, प्रॉपर्टी हार्म मतलब जिससे भी हुआ है वो प्रॉपर्टी भी हार्म हो गई, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो अपने बेसिक तीन उसमें बांटे गए हैं, जैसे कि मेजर इंजरी, माइनर और नियर मिस। ठीक है, तो फाइंड जो ये जो कि क्या बोले जाते हैं, ये एक्सीडेंट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि मेजर इंजरी में आपका फ्रैक्चर हो जाना, वो मतलब कोई भी बॉडी पार्ट का फ्रैक्चर हो जाना, उसे बोलते हैं मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, माइनर छोटी मोटी चोट लग जाना, नियर मिस बाल बाल बच जाना। ठीक है, और एक और आता है इसमें फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट यानी समय पे ही मौत हो जाना, ठीक है, दुर्घटना के दौरान ही जान चली जाना, उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट दो तरीके से रहते हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली थी कि दो तरीके होते क्या हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपको थोड़ी मोड़ी चोट लगी, जैसे खून निकल आया, तो छोटी सी चोट लगी जैसे कि चाकू से कट जाना या कुछ भी ऐसे नॉर्मल सी चोट लगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा आपको, नॉन रिपोर्टेबल के, क्योंकि आपका एक्सीडेंट तो हुआ पर इतना कोई मतलब ऐसा एक्सीडेंट नहीं था कि जिसकी रिपोर्ट करी जाए। ठीक है, तो वो नॉन रिपोर्टेबल हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या हो गया, माइनर एक्सीडेंट के अंदर आ गया अपना, कि माइनर सा एक्सीडेंट था, इतना कुछ उसका रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया माइनर एक्सीडेंट के अंदर। अब अगर हम बात करें कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है, तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होते हैं, इसमें कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कौन सी आएगी, ये माइनर एक्सीडेंट के अंदर तो नहीं आएगा, थोड़ा मेजर एक्सीडेंट के अंदर ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, इसकी जो मतलब जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है माइनर एक्सीडेंट से, क्योंकि ये मेजर एक्सीडेंट के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसमें हो सकता है इंसान को ज़्यादा चोट लगी हो, है ना, उसके कोई बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हो गया हो, या चोट ज़्यादा तेज़ लगी हो, मतलब नॉर्मल चोट के अंदर नहीं आएगा वो। ठीक है, उसको इतनी चोट लग जाना कि वो अपने वर्क पर मतलब अपने काम पर नहीं आ पाए, तो अब किसकी सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे हायर अथॉरिटी तक बताया जाए कि इस पर्सन को इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था और उसको इतनी इतनी चोट आई है, तो क्या हो गया, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो गया। इसकी रिपोर्ट करना तो बनती है ना, जब वो अंदर नहीं आया, इंडस्ट्री में नहीं आया, उसको क्योंकि चोट लगी थी इस कारण वो नहीं आ पाया, तो इसकी रिपोर्ट बनाना तो बनती है ना, तो तब हम इसको अपनी हायर अथॉरिटी को बताएंगे और सुपरवाइज़र इसको बताएगा जाके कि इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा और उसको इतनी चोट लगी गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में। ठीक है, रिपोर्टेबल में क्या होता है, हमें उस चीज़ की जानकारी देनी होगी, क्योंकि वो जो पर्सन है वो 48 आवर्स तक इंडस्ट्री में नहीं आया है, उसको जो एक्सीडेंट हुआ है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ना कि माइनर। और माइनर एक्सीडेंट में हमें नॉन रिपोर्टेबल रहता है, क्योंकि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं देनी होती है, क्योंकि उसमें वर्कर जो रहता है वो उसी प्लेस पर रहता है, उसे छोटी मोटी चोट आई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो तरीके से बांटे गए हैं, रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। बाकी अपने चार तरीके के रहते हैं, मेजर, माइनर, नियर मिस और फैटल एक्सीडेंट। तो वही चीज़ है, मेजर में आपको ज़्यादा चोट लग जाना जिसके कारण आप काम भी तक ना कर पाए, माइनर छोटी मोटी चोट, और नियर मिस बाल बाल किसी चीज़ से बच जाना,
ठीक है, गिरते गिरते बच जाना जैसे कि भूल जाता है, वैसे किसी चीज़ से भी चोट लगने से बच जाना और फैटल एक्सीडेंट अपना उसी समय पे मौत हो जाना। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको एक्सीडेंट के बाद जो नॉन रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो रहते हैं उनके बारे में बताया। सो थैंक यू।